ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं गुमला, जहां लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर लगातार बीजेपी चुनावी हुंकार भर रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज लोहरदगा प्रत्याशी, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी मौजूद रहे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक नामांकन सभा का आयोजन किया गया। इस मंच से समीर उरांव के पक्ष में वोट मांगी गई, समीर उरांव को वोट करने की अपील जनता से की गई। इस मंच पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं। गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी आएंगे और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन देंगे। जोरदार ताली बजाकर हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। बोलिए, भूपेंद्र पटेल जिंदाबाद, भूपेंद्र पटेल जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की लोहरदगा लोकसभा की इस विशाल जनसभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, विपक्ष के नेता श्री अमर कुमार पावरी जी, लोहरदगा के सांसद श्री सुदर्शन भगत जी, हमारे प्रत्याशी श्री समीर कुरूर जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, आप सभी उपस्थित बंधु भगिनी कार्यकर्ता प्रेस मीडिया के मित्र सभी को मेरा नमस्कार। जय जोहर, जय श्री राम। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दायित्व सौंपने का महापर्व लोकसभा चुनाव अब शीघ्र ही होने वाला है। झारखंड में चार फेज में ये चुनाव होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में झारखंड की जनता तमाम 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस को उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। अब की बार 400 पार के टारगेट को अचीव करने में झारखंड की जनता संपूर्ण समर्थन और आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। झारखंड के भाइयों बहनों से मेरी अपील है कि यह डबल इंजन सरकार बनाने का यह वर्ष है, झारखंड का नसीब चमकाने का यह वर्ष है, तो मौका गंवाना नहीं है। आप लोग लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब को समर्थन देते हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देंगे तो डबल इंजन सरकार के फायदे झारखंड को भी मिलेंगे। मोदी सरकार विकास की गारंटी वाली सरकार है। मोदी साहब ने तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी दी है। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आदिवासी क्षेत्रों के विकास और लोगों के सर्वांगीण कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना चलाई है। 1,00,000 करोड़ रुपए की इस योजना का फेज वन हम सफलतापूर्वक पूरा कर फेज टू चला रहे हैं। आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार जैसे 15 सेक्टरों पर मोदी जी ने पूरे देश में विशेष फोकस करके विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर आदिवासियों के सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वग्राही विकास के लिए दिन रात कार्य करते हैं। झारखंड के आदिवासी बांधुओं ने
परिवार के विकास के लिए भी मोदी साहब ने गारंटी दी है। आप सभी को विकास का वह लाभ लेने के लिए इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से जीत दिलानी है। जिसे कोई नहीं पूछता उसे आदरणीय मोदी साहब पूछते हैं। गरीब, वंचित और आदिवासी बंधुओं के कल्याण के लिए मोदी साहब ने अनेक नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाओं द्वारा गरीब के जीवन को बदलने और गरीब को गरिमामय जीवन प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। एक समय था जब बैंक बिना गारंटी लोन नहीं देते थे, अब प्रधानमंत्री खुद गरीबों के गारंटर बने हैं और पीएम स्वनिधि तहत गरीबों को बैंक लोन मिल रही है। पीएम स्वनिधि का लाभ देश के 80 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को मिला है। केंद्र सरकार झारखंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने और राज्य के विकास में सहाय कर रही है। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, 2024 में देश में 158 एयरपोर्ट कार्यरत है। देवधर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में देश में पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ है। मोदी जी ने 2018 में झारखंड के पहले एम्स अस्पताल की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी किया है। 2014 से पहले देश में एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 51,348 सीटें थी, जो आज बढ़कर 108,940 यानी कि डबल से भी अधिक हुई है। अमृत भारत योजना तहत 1,318 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। उसमें झारखंड के 39 रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण किया जाएगा। आज झारखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। ये बिजलीकरण की बात आई है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब से 1947 से 2014 तक जो ये बिजलीकरण की बात है वो सिर्फ 21,800 किलोमीटर ही हुई थी 2014 तक, और 2014 से ये 24 तक 38,650 किलोमीटर तक हुई है। देश में 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। झारखंड को भी अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। प्रसाद योजना के तहत देवधर में बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास होने जा रहा है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातु गांव का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने एवं उन्हें उचित सम्मान देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ काम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना है। नक्सलवाद आतंकवाद को जड़ से खत्म कर झारखंड सहित सीमावर्ती राज्यों में मोदी जी की विकास की गारंटी साकार करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएं। देश की मजबूत सुरक्षा के लिए, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए भ्रष्टाचार पर सख्त कार्यवाही होते रहे इसलिए भाजपा जरूरी है। महंगाई पर लगाम लगी रहे इसलिए भाजपा जरूरी है। देश के दुश्मन ने डर बना रहे इसलिए भाजपा जरूरी है। निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे इसलिए भाजपा जरूरी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बने इसलिए भाजपा जरूरी है।
भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए भाजपा जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए भाजपा जरूरी है। करोड़ों भारतीयों के मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, इसलिए भाजपा जरूरी है। 100% लाभार्थी तक तेजी से हर लाभ पहुंचे, इसलिए भाजपा जरूरी है। विकसित भारत के लिए भाजपा जरूरी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ और मजबूत करने के लिए झारखंड से सभी भाजपा और एनडीए उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताए और मेरे साथ बोलिए, अब के बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। से चुनावी हुंकार भरा है और समीर उरांव के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर तमाम रिपोर्ट कार्ड रखा और क्या क्या काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए, तमाम बातें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुमला के इस मंच से देश के सामने रखा है। एक बेहद जरूरी बात जो भूपेंद्र भाई पटेल ने कही, अब एक बात भाजपा जरूरी है का नारा दिया है आज भूपेंद्र भाई पटेल ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुमला के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने को लेकर चुनावी हुंकार भरी और साथ ही समीर उरांव के पक्ष में वोट करने की अपील भी जनता से की है। तो लगातार न्यूज 11 भारत आप तक चुनाव को लेकर हर गतिविधि आप तक पहुंचा रहा, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा। पलामू में आज नॉमिनेशन हुआ, आज लोहरदगा में नॉमिनेशन हुआ, तमाम तस्वीरें लगातार न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। तो आज बीजेपी की ओर से एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया गुमला से और वहां से लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।